संजय सिंह ने पहले कहा था ईडी मेरे घर पे भी आ सकती है। संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर ईडी ने मारा था छापा। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम। देश भर में आबकारकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बलों से तीखी नोकझोंक भी हुई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के सामने सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भोपाल में भी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी को लेकर मार्च किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। आपको बताते चलें, ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में बुधवार सुबह 7 बजे छापा मारा था। यहां से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में हैं। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी कभी पत्रकारों को तो कभी सांसदों को गिरफ्तार कर रही है। अखिलेश का कहना है कि अगर देश की 125 करोड़ जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो क्या यह विरोध करने वाले करोड़ों देशवासियों को जेल में भेज देंगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब जनसैलाब उमड़ता है तो जेल छोटी पड़ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लिए बीजेपी वाले कभी जेल तो गए ही नहीं, इसीलिए इन्हें नहीं पता कि हमारे देश में जेल का डर दिखाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया कि धमकी जीवी भाजपा जाने वाली है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार है उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।